उत्तर प्रदेश के आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं उन्होंने करोड़ों की योजनाओं पर शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने राम मंदिर पर बोलते हुए कहा कि वही लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं जो लोग नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने और उनकी छाती भी फटती थी। सबसे पहले आज यहाँ आगरा व्रत, जिसमें आगरा जनपद और मथुरा जनपद आता है, लोकार्पण और शिलान्यास की दृष्टि से जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लगभग 395 किलोमीटर लंबाई की 395 किलोमीटर की लोकार्पण है, 1583 किलोमीटर के शिलान्यास हैं। इस प्रकार से कुल 484 करोड़ से अधिक लागत के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आगरा और मथुरा के विकास की दृष्टि से आज यहां पर संपन्न हुआ। और हमारी सरकार का विकास है, गांव का भी विकास, नगर का भी विकास, सड़कों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाना और विकास का एक नया युग जो लाने का काम हुआ है लगातार। जब से एक तरह से कहा जाए कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तो उस सरकार को बनने के पीछे का एक था कि विकास मॉडल, गुजरात से जो विकास यात्रा शुरू हुई, केंद्र सरकार के माध्यम से विकास यात्रा शुरू हुई, वह विकास यात्रा 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार जारी है। देश ने भी और प्रदेश ने भी कोविड महामारी के कारण अनेक प्रकार के संकटों का सामना किया। जो भी आगरा सहित प्रदेश में आप कोविड के कारण हमारे बीच में नहीं रहे, उनको सबको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपनी ओर से, सरकार की ओर से, प्रदेश की ओर से अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूँ। और कोरोना का महासंकट निश्चित तौर से इस समय उसमें बहुत नियंत्रण हुआ है, लेकिन सबसे अपील करता हूँ कि अभी कोरोना नियंत्रित हुआ है। फरीदाबाद के टूंडला में अतिक्रमण की शिकायतें मिलने पर टूंडला एसडीएम बिसरा बानो ने अभियान चलाया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सीओ टूंडला अभिषेक श्रीवास्तव, एसडीएम बिसरा बानो और नगर पालिका ईओ मौजूद रहे। टूंडला तहसील में 3 दिन पहले बिसरा बानो ने एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें एसडीएम ने साफ कहा था कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाना है, जिसको लेकर आज टूंडला एसडीएम बिसरा बानो, सीओ टूंडला अभिषेक श्रीवास्तव, टूंडला इंस्पेक्टर केडी शर्मा, नगर पालिका ईओ की मौजूदगी में दीपा चौराहे से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई, जिसको देखकर टूंडला के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं एसडीएम बिसरा बानो ने बताया कि नाले के आगे के सामान को भी दुकानदार जल्द हटा लें, शहर की गंदगी को बचाएं और कूड़ा इधर उधर न फेंकें। उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 ऐसे मार्ग हैं जो 250 या इससे अधिक की आबादी है, लेकिन मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े थे, उनको जोड़ने का निर्णय हम लोगों ने ले लिया है। और वह निर्णय के अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर यह काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। इसकी जो अन्य प्रक्रिया है पेपर फॉर्मेलिटी, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान प्रदेश सरकार के सभी विभाग मिलकर के अपनाने का काम करेंगे, लेकिन अकेले लोक निर्माण विभाग 10 लाख वृक्षों की स्थापना करने का काम, उनकी सुरक्षा का उपाय करने का काम, साथ ही हर्बल पार्क बनाने का काम। बहुत सारे हमारे पार्क सार्वजनिक स्थल ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से कोई कब्जा करके बैठा है, उसे हर्बल औषधियों से युक्त एक ऐसा पार्क बनाएंगे जो औषधि वृक्ष लगाएंगे, जो समाज के काम भी आ सके और उस स्थान का सदुपयोग हो सके। ये हमारी सरकार की ओर से, हमारे विभाग की ओर से अब ये तय किया गया है। इतना मुझे कहना, कोई एक दो सवाल आपको करना हो या आप